वेलकम बैक टू माय फूड डायरी, वेलकम टू वन ऑफ प्रियस कुक बॉन्ग। और आज का कुक बॉन्ग है बहुत स्पेशल, बिकॉज आज है हमारा न्यू ईयर। तो शुभ नव वर्ष टू एवरीवन, टू ऑल माय बंगाली फूड फोक्स। एंड आज ना ओडिया न्यू ईयर भी है, सो हैप्पी न्यू ईयर गाइस। जो भी मुझे भुवनेश्वर से देखते हैं, ऑल माय भुवनेश्वर फूड फोक्स, वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। आपका दिन बहुत डिलीशियस जाए। हम लोग भी, हमारे घर में आज सुबह ऐसा कोई खास नहीं है, बट मैंने फिर भी सोचा है कि मैं बनाऊंगी मुर्ग पुलाव। और मम्मी बना रही है, पापा आज सुबह से मार्केट गए थे तो बहुत सारा मछली लाए, बहुत सारा मछली आए हैं। तो माँ बनाएंगी आज मांगुर माछे झोल, नॉर्मल झोल, क्योंकि बाबा खाएंगे। और क्या अभी बनाएंगे, टाइम रहने से बनाऊंगी, टाइम रहने से कुछ बनाएगी। कोचू शाक है, कोचू शाक भी है, अगर टाइम रहा तो उसको फिर वो फिश हेड के साथ हमारा कुछ बनता है, पर वो बनाएंगे। बट लेट्स सी, ठीक है। सो मम्मी बोले, फिर से बोले कि मैं हेलो नहीं बोली, हेलो बोला अभी। हेलो, शुभ नव वर्ष है, हो गया, हो गया, सबको प्रणाम। आज सुबह से मेरे घर में बहुत हॉट पॉट है, बाबा भी सुबह मार्केट गए तो इतना सारा मछली लेके आ गया। मैं सोच रही यार मैं कुछ और बनाने वाली थी, बट ठीक है, वैसे भी पापा चिकन तो खाते नहीं, और मैं ऐसे पुलाव वगैरह बनाऊंगी तो वैसे भी नहीं खाते हैं। सो मैंने जो है मैरिनेशन करके रखा है कल रात को, नॉर्मल। मैंने बहुत बार पुलाव का मैरिनेशन दिखाया भी है, वो बात तो मैं लिंक कर दूंगी, आप लोग देख लेना। नॉर्मल सिर्फ दही और गार्लिक, जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, और थोड़ा सा मैंने पुदीना डाला है। पुदीना इज वेरी मच ऑप्शनल। तो अब जो है झोल बन रहा है सबसे पहले, क्योंकि पापा खा लेंगे। तो झोल जो है माँ बनाएगी, फिर पुलाव मैं बनाऊंगी। तो ऐसे हम लोगों ने डिवाइड कर लिया है काम, क्योंकि सुबह से पूजा वगैरह भी रहता है, तो बहुत कुछ खत्म करके अभी हम लोग आए हैं और लेट भी आए हैं हम लोग। तो माँ झोल बना रही है, मांगुर माछे, एकदम पतला झोल, यू नो इट्स वेरी मतलब हेल्पफुल फॉर योर गट, इज वेरी गुड फॉर योर गट। अगर आप फ्रेश माछ ला रहे हो ना, तो हम ज़्यादातर उसमें बहुत ज़्यादा मसाला नहीं यूज़ करते। वेरी मच स्पेसिफिक अबाउट अवर झोल का, जो आलू कैसे कटेगा, बाकी तरकारी का आलू कैसे कटेगा, वेरी मच स्पेसिफिक अबाउट इट। गुड बॉय, तो हमें ना इसे ग्राइंड करना है, और थोड़ा अदरक, थोड़ा सा जीरा जाएगा इसमें, उनका मैंने भी टेस्ट है। एक एक मिर्च दे दो ना बस, एक चलेगा। मेरी नानी बिल्कुल मिर्ची नहीं खाती, तो इसीलिए प्रॉब्लम हो जाता है। अभी हमारे घर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है मिर्ची को लेके, थोड़ा सा नमक देने से अच्छा होता है। ठीक है, फिर क्या हुआ? अरे यार टाइम नहीं है, बाकी हो चुका वो तो। सॉरी, वो गलती से हो गया। रुको रुको रुको, ये है माछ का फैट, माछे तेल, दिस इज भेटी माछे तेल। बट भेटी माछा तुम बना नहीं रहे, तेल डाल। जीरा,
अब जो है हम पुलाव का तैयारी कर लेते हैं। मम्मी को ऑलमोस्ट हो गया है। अब मम्मी का जो है झोल बन गया है, सो अभी हम बनाएंगे पुलाव। ये हो जाएगा तो हमारा खाना भी हो जाएगा। That's it. जब से लाई हूँ मैं सारा चीजें इसी में बनाती हूँ। पुलाव हो, नहीं पुलाव तो मैंने बनाया नहीं, दो बार बिरयानी बनाई इसी में बनाया। मम्मी बोले लोग क्या सोचे कि जब से लाई इसी में बनाई जाती हूँ, पर ठीक है जब तक मेरा इसका ऑब्सेशन खत्म नहीं होता इसलिए बनाती हूँ। उसके बाद जब हो जाएगा, इसका मैंने एक बहुत बड़ा वाला भी हांडी लाया बट दैट्स फॉर 5 किलोज। सो आई एम यूजिंग मस्टर्ड ऑयल, यू कैन डेफिनेटली यूज व्हाइट ऑयल। इसमें क्या होता है ना, पुलाव का रंग जो है एकदम व्हाइटिश आता है, बट ये वाला पुलाव ना मस्टर्ड में ज्यादा अच्छा बनता है। मुझे इसमें से कुछ जो है मिरिस्ता चाहिए और कुछ मैं पुलाव में यूज करूंगी। लेट मी जस्ट ओपन दिस तो फिर अच्छे से बनेगा। जो मुझे पुलाव में चाहिए और हाफ बिरिस्ता चाहिए तो उसको थोड़ा सा और फ्राई होना है तो मैं इसी में कर दूंगी। बिरिस्ता के लिए थोड़ा सा कम रखते हैं और इसके लिए थोड़ा ज्यादा। गर्मी में ना मेरे किचन में सबसे बुरा हाल। ओके, बिरिस्ता बस बन जाए। तो जो मैं पुलाव बना रही हूँ ना, तो मैं गोविंद भोग राइस से ही बना रही हूँ। सब बोल रहे होंगे तू इसी से बनाती हूँ, ठीक है मैं इसी से बनाती हूँ, तो मैं उससे बना रही हूँ। और उसको ना मैं बहुत कम टाइम के लिए भिगाऊंगी। अगर आप बासमती यूज कर रहे हैं तो हाफ एन आवर भिगा दीजिए, बट अगर गोविंद भोग या फिर कोई भी छोटा राइस यूज करें तो आप बहुत कम देर के लिए भिगोइए, क्योंकि जब पानी फिर उसको प्रोपोर्शनेट में दोगे ना तो फिर वो बहुत ज्यादा बॉयल हो जाएगा। इसीलिए बहुत कम टाइम, 15 मिनट मैक्स है मैक्स। तो मेरा बिरिस्ता बन के रेडी, अब मैं निकाल लेती हूँ। इतना चलेगा। अब जो ये अनियन मैंने उठा के रखा था ना, ये इसमें डाल दूंगी। थी ये सारे खड़े मसाले, तेज पत्ता और क्या है लौंग है, स्टार एनिस, एक बड़ी इलायची, छोटी इलायची और पेपरकॉर्न, ये डाल दूंगी। थोड़ा सा होना है इसमें जाएगा टमाटर, मैंने 3 छोटे टमाटर लिए। बिना टमाटर के भी जो हमने बनाया है वो भी अच्छा लगता है। थोड़ा सा फ्लेम हाई, नमक जो थोड़ा सा जल्दी गल जाए टमाटर, वो जो है ना ताकि मसालों के साथ अच्छे से मिल जाए। Thank you.
लेना है तो मसाले मतलब जैसे टमाटर दिए ना जहाँ पे अदरक लहसुन डाले उसके बाद ही आप सब कुछ दे दो। ओके ये क्या अभी जो है हम फिश हेड को फ्राई करेंगे। अभी से ना प्याज और इसके साथ बहुत अच्छे से फ्राई होना है उसके बाद हम इसमें फिश हेड जो है इंक्लूड करेंगे। हटा के देना थोड़ा सा इंजन मिला रहे हैं। ठीक है अमली कप्पल सब इसमें डालेंगे हम पानी। अब जितना राइस लिए हो ना उस प्रोपोर्शनल में डालना। मैंने 2 कप लिया है इसी कप का। अब ना इसमें शाह जीरा देना है वेरी इंपॉर्टेंट। मैं मिर्ची ना स्प्लिट करके नहीं दे रही हूँ। मैं नानी खाएगी और उसको बिल्कुल मिर्ची नहीं चलेगा तो नहीं दे रही हूँ। और ये घी है पूरा डाल दूंगी। नमक गया। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा केवड़ा वाटर। अगर आपको अच्छा लगता है तो ही दो। मैं थोड़ा सा दे देती हूँ मुगलाई मतलब मुगलाई टच लाने के लिए चाहे वो पुलाव हो चाहे बिरयानी थोड़ा सा। हाँ अब क्या पुदीना पूरा पानी झाड़ झाड़ के डालना मुझे। और हमारा कोचूर लूची भी हो ही गया है ऑलमोस्ट। और अभी जो है थोड़ा आप चला सकते हो क्योंकि एक बार ये होने में आ जाए ना तो आप फिर चला नहीं सकते क्योंकि चावल टूट सा जाएगा। तो इसे होने देना। अब तो इसे जो है 10 मिनट जो है हाई फ्लेम पे रखो उसके बाद आप मीडियम करो उसके बाद आप एकदम स्लो कर दो ढांक के मतलब कवर करके। अभी ना ये ऑलमोस्ट हो गया है। अभी पूरा फ्लेम जो है एकदम लो में है और पूरा पानी भी चला गया है। अभी थोड़ी देर ये सेट होने के लिए ना इसको थोड़ा सा चला लिए हल्का हल्का चलाएगा जैसे नीचे से लेके ऊपर फेंकने के टाइप करना। और अभी इसको थोड़े और 5 मिनट जो है इसे कवर करके रखेंगे। अब तक जो थोड़ा सा भी मॉइस्चर होगा वो सेट हो जाएगा और उसके बाद तुरंत मत निकाल के खाओ। इसको सेट होने के लिए भी हाफ एन आवर लगेगा उसकी वजह से वो झुरझुरा टाइप हो जाएगा। तंगड़ी आया सबसे पहले। अभी ये थोड़ा सा टाइम लेगा ना तो सेट हो जाएगा। थोड़ा सा रख देंगे पुदीना। डन। ओह रिश्ता इसको कितना कलरफुल बना रहा है और ऊपर से ग्रीन रंग। इतना गर्मी में काम करते थे ना मेरे को लगे मेरे को हेडेक आ रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या खाऊंगी? सबसे पहले मैं ड्राई आइटम से खाऊंगा। तो तुम्हें आशा नशा वैक्सी दिखे नहीं। नानी खा चुकी हैं, बाबा खा चुके हैं, बस मम्मी और मैं ही बचे हैं। सबसे पहले मैं खाऊंगी दस इस कोचू लोती विद माछेर कोचू शाक माथा। दिस इज अ वेरी डिलीशियस आइटम। आप एक बार अगर मैं तो मैं क्या बोलूँ अगर आपको अरबी का ये वाला साग अगर मिल जाता है तो एक बार तो जरूर इसे बनाना। बनाना भी बहुत इजी है। आ जाओ मतलब सिर्फ और सिर्फ इसी से खा सकते हो।
सिर्फ और सिर्फ इसी से। मैं तो अगर मुझे पता होगा कि मम्मी ऐसे माछे झोल बनाने वाली थी, भेट की माछ आने वाला था, तो भी तो मैं पुलाव बनाती ही नहीं, क्योंकि मैंने मैरिनेट करके रखा था तो अब तो करना ही पड़ता, तो मैंने इसीलिए किया। मुझे नहीं पता था कि बाबा को आज मार्केट में इतना सब कुछ मिल जाएगा, बट आज नव वर्ष है तो मिलेगा ही। तो हाँ, सो लेट मी टेक द फर्स्ट बाइट ऑफ दिस आर नॉट दिस आर न्यू ईयर। মাছের মাথায় জিয়াম মাছ একটু ঝাল হয়, ঝাল একটু নানি কি বসে দেই নি পাতে আর হাম নি খা পাতে কি হাম ইতনা ঝাল খাতে আপকো পাতা হোগা হাম বহুত ঝাল খাতে হুম মাইকে জল দেবা মা হুম यस মজা গে খাকে मुझे तो पता ही था मम्मी जब खोचू बना रही थी ना तभी मेरे को लग रहा था अरे आज जो खाना है ना मैं कल सुकून से एक एक करके खाऊंगी इतना सब कुछ। बल हमारे न्यू ईयर में ना बहुत सारा आइटम बनता है, खीर भी बनता है, क्योंकि हमने रिसेंटली इतना सब कुछ खाया तो मम्मी ने बोला नहीं हम लोग कम बनाएंगे, सिर्फ पुलाव और चावल, पुलाव और क्या रायता खाएंगे और कुछ एक आइटम बन जाएगा। बट बाबा सुबह जाके मछली ले आए, वो सुन रहे थे जैसे हम लोग जो बोल रहे बोले कि नहीं मैं तो मछली लेके आऊंगा। सो नेक्स्ट मैं खाऊंगी माछे झोल, दिए माछे झोल वो भी मागुर माछ। ये मुझे एक्चुअली बहुत पर्सनली पसंद है, तो बाबा को आज मार्केट में बहुत अच्छा दिखा इसीलिए वो लाए, वरना वो लाते नहीं, खुद ही आके बोले, वरना मैं लाता नहीं अगर ये दिख। मैं एटू को पूमा तुम्हें एक खा लूंगा ना, इसमें बहुत कम कांटा होता है। झोल भी बहुत अच्छा बना है। Very, 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 very delicious. लेकिन माछा तेल ये जो हम मछली का तेल नहीं बना रहे थे, भेटकी माछा तेल दारून तेल था, तो मैं खाओ क्या कर रही हूँ मैं, झोल माछा तेल चिकन भी है। भेटकी माछ इज इटसेल्फ सो टेस्टी ना, उसका ऑयल भी बहुत टेस्टी रहता है। सो द नेक्स्ट इज पुलाव। कितना पानी है इसमें माँ, नहीं मतलब इसमें इसमें अभी भी ये झुझुरा बना नहीं, और थोड़ा होगा, और थोड़ा होगा, मैं थोड़ा सा ही खाऊंगी। कस रायता, आज हम लोग रायता भी बहुत शॉर्टकट में किए, प्याज वगैरह भी निकाले सिर्फ और सिर्फ इसमें। आज जो है जस्ट लव पुलाव यार, बहुत गर्मी है। इसको खाती आपको क्या अजीब सा एक अच्छा फीलिंग होगा, मैं क्या बताऊं। और आप, मैंने इसमें कोई मसाला नहीं ऐड करा, बहुत लोग जो है थोड़ा गरम मसाला भी ऐड करते हैं, बिना गरम मसाला के भी बहुत अच्छा बनता है, एकदम घीश कलर का बन रहा है, घी का थोड़ा अच्छा खासा फ्लेवर आ रहा है, क्योंकि मैंने लास्ट में दिया पानी में, और सबसे अच्छा जो शाहजीरा का आपको फ्लेवर आएगा ना, वेरी सटल, वेरी नाइस, वेरी डिलीशियस, एकदम आप जब खा रहे हो ना वो टेस्ट आपके टेस्ट बड में रह जाएगा, मतलब जब आप ले रहे हो खा रहे हो अंदर जा रहा है वो टेस्ट बड में आपकी जीभ में रह जाएगा, मतलब खड़े गरम मसाले मैंने बस स्टार्टिंग में दिए थे उसके जो फ्लेवर है। और चिकन तो इतना अच्छा गलता है ना, ये वाला पुलाव बनाओ और रात भर चिकन को रख दो, अगर आप 2-3 घंटे रखोगे तभी भी सॉफ्ट हो जाएगा, बट अगर रात भर रखोगे तो बहुत मजे की लगेगी। और ये पुलाव थोड़ा हल्का खट्टा में आता है, क्योंकि दही में आप मैरिनेट करते हो रात भर रहता है, तो खट्टापन भी इसमें घुस जाता है, तो वो एक अलग स्वाद देता है आपको। खाना मेरा खत्म,
with this very delicious novel version note. I'm gonna end my video here. I hope आपको सारा खाना देख के बच्चों को काफी बहुत अच्छा लगा. और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट किसी वीडियो पे. Till then, happy eating, happy cooking, happy doing whatever you do in your world. और हाँ, जाते जाते प्लीज अभी तो लाइक कर दो, बेल आइकन प्रेस करो और उसके बाद जाओ ताकि आपको नोटिफिकेशन आए, आप मेरा वीडियो देख सको.